राजस्थान के अंदर शिक्षा मंत्री के द्वारा विद्यालयों के अंदर शिक्षक और शिक्षिकाओं को मोबाइल ले जाने पर पाबंदी लगाई, जिसे एक बार लगा कि शिक्षकों के द्वारा इसका विरोध किया जाएगा। बहुत से संगठन शिक्षकों के बने हुए हैं और शिक्षा विभाग को भी यही था कि अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के बयान पर शिक्षक लामबद्ध हो जाएंगे और राजस्थान में हो सकता है आंदोलन भी कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया कि विद्यालयों के अंदर मोबाइल पर पाबंदी रहेगी, राजस्थान के शिक्षकों में खुशी और जश्न का माहौल बना। इसके पीछे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक बयान था। इसको लेकर कई जगह पर शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मंत्री के बयान का स्वागत करते हुए ज्ञापन तक दे डाला। दरअसल शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों बयान दिया था, अब शिक्षक स्कूल में मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उन्हें स्कूल में जाते ही जमा कराना होगा अपना मोबाइल। और इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही थी शिक्षक इसका विरोध करेंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा है। शिक्षकों के द्वारा शिक्षा मंत्री के बयान का स्वागत किया है और शिक्षकों के द्वारा यह भी कहा गया कि जो प्रशासन के द्वारा मोबाइल पर नए नए आदेश रोज आते हैं, परेशान करते हैं, फिर उनका जवाब देना पड़ता है, चलो अच्छा है उससे छुटकारा ही मिला। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के मोबाइल ले जाने पर तो पाबंदी विद्यालय के अंदर रहेगी, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की मुश्किलें बढ़ने वाली है। हो सकता है धीरे धीरे शिक्षक मोबाइल ले जाना ही बंद कर दें, घर पर ही रख कर आएँ। बहुत से ऐसे शिक्षक यह सोचकर कि विरोध होगा और मोबाइल अगर चलाया तो उस फिर कार्रवाई होगी, इसलिए मोबाइल को लाना ही बंद कर दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रशासन की मुश्किलें इसलिए बढ़ेगी क्योंकि शिक्षकों पर गैर राजनीतिक कार्य इतने दिए हुए हैं जो अन्य कर्मचारियों को प्रशासन देना नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षक को आराम से अधिकारी रोब जमाते हुए उन्हें काम पर लगा देते हैं। अगर हम BLO की बात कर लें तो राजस्थान के अंदर जितने भी ज़िले हैं उन सब में 80 से 90% के बीच में शिक्षकों को BLO बनाया हुआ है। हालांकि यह नहीं है कि कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन दूसरे विभागों के कर्मचारी पहुंच वाले हैं, इसलिए शिक्षकों को ही BLO बनाया जाता है और अन्य जितने भी सर्वे हैं उसके अंदर ज़्यादातर ड्यूटियाँ शिक्षकों की ही लगाई जाती हैं। प्रशासन तो आदेश निकाल कर शिक्षकों पर यह काम ला देता है, उसके बाद फिर शिक्षक परेशान भी होते नजर आए हैं। और इसीलिए शिक्षकों के द्वारा यह स्वागत किया है कि मोबाइल पर पाबंदी है और मोबाइल हम खोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, और इसलिए जो प्रशासन के जितने भी आदेश आएंगे वह दरे के दरे रहें, हमें कोई मतलब नहीं। इसीलिए शिक्षक खुशी का इजहार कर रहे हैं कि चलो सरकारी आदेश जो प्रशासन के स्तर से तहसीलदार से लेकर ऊपर के अधिकारियों तक आते थे उससे छुटकारा मिला है।